हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिजाइनर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है, नेट फैब्रिक लिया है, सिंपल नेट है। ये मैंने 2.5 मीटर लिया है और ये जो लाइनिंग फैब्रिक लिया है ये भी मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है। तो ये जो फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, ये क्रेप फैब्रिक है। तो इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके रखूँगी। लेंथ में मैंने पूरे कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है इस तरह से, और इसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं बॉटम का पार्ट कट कर रही हूँ, तो इस तरह से मैं इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से देखिए मैंने इसे ट्रायंगल शेप में रख लिया है। मेरी साइड इसकी बंद वाली है, दूसरी साइड ओपन है। यहाँ हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जितनी भी आपकी वेस्ट साइज है उसे करीब 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और ये जो ओपन साइड है वहाँ से जितना भी आ रहा है उसको इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे। इस तरह से वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखिए, ये करीब 8 इंच आ रहा है। अब यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। 14 इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया है, 14 इंच हम टॉप का पार्ट इसमें 14 इंच हम इसमें टॉप का पार्ट रखेंगे। तो 14 इंच छोड़ने के बाद इसकी जो मैं लाइनिंग की लेंथ रख रही हूँ वो ये देखिए 25 इंच की है। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा ऊपर और नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 26 इंच का बॉटम का पार्ट रख रही हूँ और 14 इंच इसका अपर पार्ट होगा। तो इस तरह से हमें गोलाई में मार्क कर लेना है। और इस तरह से मार्क करने के बाद हम कट कर लेंगे। ये लाइनिंग है तो ये जो मेन फैब्रिक हमारा नेट होगा उससे 4 इंच हम कम रखेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ लें। इस तरह से मैंने कट कर ली है इस तरह। और इसके बाद हम नेट फैब्रिक कट करेंगे। तो सेम मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है नेट फैब्रिक को, और उसके बाद इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ भी वेस्ट का निशान लगाएंगे, जितनी भी वेस्ट साइज है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा, और इस तरह से देखिए गोलाई में मार्क कर लेंगे। वेस्ट मार्क कर ली, और इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो 14 इंच मैंने ऊपर छोड़ दी है, और यहाँ पे देखिए इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो 30 इंच रखी है। जो लाइनिंग कट की थी उससे 4 इंच एक्स्ट्रा रखी है। तो इस तरह से 30 इंच पे मैंने गोलाई में मार्क कर लिया, और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने नेट फैब्रिक भी कट कर लिया है बॉटम इसका। अभी देखिए इसे एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे, तो किसी भी एक साइड से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से, और इसके बाद इसका बॉटम जो है नीचे की साइड घेर इसकी उसको एक बारी हम नाप लेंगे। तो इस तरह से ये डबल है, इसको हम 4 फोल्ड में कर लेते हैं। इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया, और इसकी घेर हमें मेजर कर लेनी है। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखते हुए यहाँ से घेर हम नाप लेंगे। ये 4 फोल्ड में है, तो 4 फोल्ड में जो इसकी घेर है वो करीब 32 इंच की आ रही है। 4 फोल्ड में है ये। अब मैंने ये स्ट्रिप ले ली है, ये वेलवेट फैब्रिक मैंने लिया हुआ है। आप चाहे तो लाइनिंग फैब्रिक से भी इसमें अटैच कर सकते हैं। और इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो 4 इंच की ली हुई है, और स्ट्रिप की लेंथ हमने जितनी घेर मेजर की है उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। इस तरह से जोड़ते हुए हमें स्ट्रिप तैयार कर लेनी है, और इसके बाद इस तरह से दोनों साइड से इसको इस
तरह से फोल्ड करते हुए हमें पूरी स्ट्रिप में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है स्ट्रिप में, और इसके बाद हमें इसमें अटैच करना है। तो ये जो नेट फैब्रिक है इसको देखिए हमने उल्टी साइड से रखा हुआ है, उल्टी साइड से हम इसमें इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखना है, और ये जो नेट फैब्रिक है इसके ऊपर हाफ इंच फोल्ड करते हुए पहले हमें एक सिलाई लगा लेनी है। पूरी घेर में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और ये फ्रंट साइड होगी जो नेट वाली ऊपर आएगी, और एक सिलाई हम इसकी दूसरी साइड भी लगा लेंगे ताकि ये स्ट्रिप बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, स्ट्रिप को अंदर की साइड इसमें अटैच किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ वेस्ट से हम लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है उसको सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। इस तरह से वेस्ट से सिलाई लगा लेनी है, और इसके बाद हम इसका टॉप पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने फोर फोल्ड में रख लिया है जो क्रेप फैब्रिक है, और यहाँ से कपड़े को बराबर कर लेते हैं। और इसकी जो विड्थ लेनी है वो आपको आपके चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लेनी है, जितनी भी चेस्ट साइज है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और लेंथ इसकी मुझे 14 इंच की रेडी चाहिए, तो इसमें 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, मैंने 15.5 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से निकाल लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक, अभी बंद वाली साइड मेरी साइड है। उसके बाद हम इसमें आगे की मार्किंग करेंगे। ये कपड़ा काफ़ी फिसलने वाला है, तो इसलिए मैं इसे पिन से फिक्स कर ले रही हूँ ताकि कटिंग करते टाइम ये अच्छे से सेट रहे। अब यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे, वो मैं 7 इंच मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए भी हम इसमें 7 इंच मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। और चेस्ट मार्क करनी तो मैं इसे 34 चेस्ट साइज का बना रही हूँ, उसका 1/4 और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेना है, किसी भी साइज के लिए इसी तरह से मार्क करें। यहाँ पे वेस्ट का 1/4 और 2 इंच ले लेंगे। साथ ही मुझे इसमें प्लेट्स लगानी है, तो हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल मैं 10 इंच ले रही हूँ, इसे मैं 28 वेस्ट साइज़ का बना रही हूँ। यहाँ से हल्की सी गुलाई देंगे इस तरह से, और इसके बाद आर्म होल में गुलाई देंगे। तो हाफ मार्क कर लिया आर्म होल का, और यहाँ तक गुलाई देंगे इस तरह से। अभी हम नेक मार्क करेंगे, तो नेक की विड्थ मैं इसमें 3 इंच मार्क करूँगी, और नेक डीप फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैं 2.5 इंच मार्क करूँगी। और इसके बाद एक निशान हम लगाएंगे 4 इंच पे नेक की साइड। इसमें हम राउंड शेप देंगे जो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद यहाँ आर्म होल की साइड हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे, हल्का सा क्रॉस में ये आएगा, इस तरह से मिला लेंगे। और इसके बाद इसमें 1 इंच इस तरह से मार्क करना है, और एक और लाइन बना लेनी है इस तरह से। इसके बाद शोल्डर पे हल्की सी स्लोप देंगे 1/2 इंच की इस तरह से, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तरह से अभी हमें देखिए इतनी कटिंग करनी है, ये लाइन अभी हमें कट नहीं करनी है। और अभी ठीक इसी तरह से हम नेट फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को फोर फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, फोर फोल्ड हमने कर लिया। इसके बाद इसके ऊपर रखते हुए ठीक इसी नाप की हमें ये नेट फैब्रिक कट करनी है, बिल्कुल बराबर से रखना है और सेम हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग इसकी कट कर ली है फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अभी लाइनिंग को साइड में रखेंगे, और ये जो फैब्रिक है इसे हमें देखिए यहाँ से कट कर लेना है। ये जो हमने 2 लाइन बनाई थी इस पे से हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये 2 पार्ट्स में
बीच का पार्ट हमने हटा दिया है। और अभी इसकी कटिंग देखिए, हमने एक और फैब्रिक लिया हुआ है, ये सैंटून फैब्रिक है। आप कॉटन या कोई भी फैब्रिक इसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये सेम जो हमने लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है इसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, बन साइड की तरफ बन साइड मिला के रखनी है। इसे भी मैंने फोर फोल्ड में रखा हुआ है और ठीक इसी नाप की हमें इसे कट कर लेनी है। इस तरह से देखिए, ये भी फ्रंट और बैक दोनों के लिए है। अभी ये जो ऊपर का पार्ट है इसका, इसे भी हम कट करेंगे। कपड़ा फोर फोल्ड में ही रहेगा। इस तरह से देखिए, मैंने ये कट कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के लिए। अभी हम इसे स्टिच करते हैं। तो देखिए, दोनों सीधी वाली साइड मैंने अंदर की साइड रख ली हैं। इस तरह से दोनों साइड के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में इस तरह से दोनों सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे। और इसके बाद हमें नेक में और नीचे की साइड सिलाई लगानी है दोनों पार्ट्स में। तो मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें नेक में छोटे छोटे से कट्स बना देने हैं ताकि हम इसे सीधी साइड में टर्न कर सकें, इस तरह से। इसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे सीधी साइड में। तो इस तरह से देखिए, मैंने सीधी साइड में इसे टर्न कर लिया है। और इसके बाद ये जो इसका नीचे वाला पार्ट था उसे भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें प्रिंसेस कट बनाना है, तो उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो जो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था सिलाई के लिए वो मार्क कर लेंगे। इसके बाद एक निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पे, और ऊपर से देखिए जितनी लेंथ ली थी वहाँ से हम एक मार्क 10 इंच पे करेंगे इसकी प्लेट्स के लिए। इस तरह से सीधा मिला लेंगे और हमें इस तरह से इसे यहाँ पे प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो निशान है वो हम इसके ठीक दूसरी साइड भी बना लेंगे, इस तरह से हल्के हाथ से टैप करते हुए। ये देखिए, दूसरी साइड भी ये आ जाएगी। निशान को थोड़ा डार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ तक हम इसकी प्लेट्स के निशान बना लेंगे इस तरह से। यहाँ भी हम निशान बना लेंगे। और ये जो निशान है, ये देखिए, ये जो मैंने सैंटून फैब्रिक लिया था उसमें भी बना लेंगे। और ये जो प्रिंसेस लाइन है वो हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में बनाएंगे, बैक पार्ट में नॉर्मली हम प्लेट्स बनाएंगे। तो ये मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाया है, इसलिए मैंने एक पार्ट इसमें से निकाल दिया था। इस तरह से मार्क कर लिया। अभी हमें इसे पकड़ते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ तक, और उसके बाद बहुत थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इन प्लेट्स में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है और इसमें मैं ये पफ्स अटैच करूँगी। तो ये जो सैंटून फैब्रिक है उसमें मैं यूज कर रही हूँ, सबसे पहले इसे अटैच करूँगी। यहाँ पे सेंटर का निशान बनाएंगे इस तरह से, और जहाँ हमने यहाँ प्लेट्स का निशान जहाँ लगाया था वहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसे देखिए, मैं बैक साइड से अटैच कर रही हूँ। जो उल्टी वाली साइड है वहाँ से इसे अटैच कर लेना है ठीक इसी तरह से। और यहाँ पे देखिए, सीधी हम सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से दूसरे
को भी हम यहाँ सेंटर मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेनी है, फिर हमें सीधे नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद इस तरह से देखिए रखना है, मैंने उल्टे साइड से रखा है इसे और इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों सीधी साइड एक साथ मिला के रखेंगे दोनों, और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है, हल्के से कट्स छोटे छोटे से बना लेंगे और इसे सीधी साइड में टर्न कर लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए ये जो पर्प्स हैं वो अंदर की साइड आ जाएंगी इस तरह से, ये हमारा ऊपर की साइड में आएगा कपड़ा। और इसके बाद चारों तरफ से इसे सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। तो मैंने इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। और ये जब ये बैक का पार्ट है तो बैक के पार्ट में सिंपली हम प्लेट्स लगा लेंगे। तो उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 इंच सिलाई मार्जिन जो है उसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा आता है, तो यहाँ से हम 4 इंच मार्क कर रहे हैं बंद वाली साइड से, और 1 इंच एक्स्ट्रा है तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड लेते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे छोटा सा कट्स बना लेते हैं ताकि ये निशान दूसरी साइड भी बन जाए इस तरह से। और उसके बाद इन प्लेट्स पे हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से ये जो बैक का पार्ट, ये दूसरा फैब्रिक है, उसमें भी हम निशान लगा लेंगे। ये निशान दूसरी साइड बन गए, इसमें भी इसी तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अभी दोनों सीधी साइड्स एक साथ मिला के रखेंगे और ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें भी मैंने सिलाई लगा ली है, छोटे छोटे से कट्स लगा के इसे टर्न कर लेंगे हम सीधी साइड में। तो ये हमारा बैक का पार्ट भी रेडी है, चारों तरफ से सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे इस तरह से। सिलाई लगा ली। अभी देखिए हमें नेट फैब्रिक ले लेना है, तो इस तरह से नेट फैब्रिक को देखिए मिला के रखना है बिल्कुल बराबर से, नीचे से बराबर से मिला के रखा है। और ऊपर की साइड जो हमने ये ऊपर का पार्ट तैयार किया था उसे रख लेना है इस तरह से। देखिए शोल्डर से मिला के रखना है। तो अभी पिन से फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से। तो अभी देखिए सबसे पहले नेक का पार्ट अटैच कर लेते हैं। तो अभी यहाँ देखिए लेंथ हमारी 15 इंच आ रही है, बनने के बाद ये 14 इंच करीब आएगी। तो अभी नीचे वाला पार्ट हटा लेते हैं, पहले ऊपर का पार्ट हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले एक कच्ची सिलाई लगाएंगे इसकी नेक पे। ये देखिए सुई की हेल्प से बिल्कुल बड़े बड़े टाके लगा लेने हैं नेक में। बाद में हम इसे खोल देंगे, तो इसलिए मैं इसमें बड़े बड़े टाके लगा ले रही हूँ। इस तरह से देखिए टाके लगा लेने हैं। और टाके लगाने के बाद हमें देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है नेट वाला, उसमें हम छोटे छोटे से कट्स बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से कट्स बनाएंगे और कट्स बनाने के बाद देखिए अंदर के साइड टर्न करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई मशीन से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। कट्स लगाए हैं ताकि ये अंदर की साइड जो आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से सिलाई लगा ली हैं। और ये जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसे हम निकाल देंगे। नेक बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए नेक बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अभी देखिए इस लाइन में भी हम सिलाई लगा लेंगे।
और इसका जो बैक पार्ट है उसे भी ठीक इसी तरह से हम सिल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये नीचे वाला पार्ट हम ज्वाइन करेंगे, इस तरह से रखेंगे और नीचे से इसे मिलाते हुए इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पिन से फिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अभी देखिए किनारे किनारे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से निकाल दिया मैंने और ये दूसरा पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लिया है फ्रंट का। अभी हम इसके शोल्डर सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इसके बाद देखिए स्लीव्स के लिए मैंने ये स्ट्रिप्स तैयार की हैं और ये स्लीव्स मैंने कट कर ली हैं सिंपली, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं उसी तरह से। फ्रंट साइड की स्लीव में हम 1/2 इंच की गहराई देंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। और इसके बाद ये जो स्ट्रिप्स हमने तैयार की है ये इस तरह से रखते हुए इसमें हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो ये इसमें 2 या 3 लाइनें अटैच कर लें, मैं इसमें 2 लाइन्स अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने शोल्डर में सिलाई लगा ली है और ये स्लीव्स भी देखिए मैंने तैयार कर ली है। अंदर की साइड से वो स्ट्रिप मैंने अटैच की हैं और इसके बाद हम स्लीव्स इसमें सिलाई लगा के ज्वाइन करेंगे। तो इसका सेंटर देखिए हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ सेंटर पर निशान बना लेंगे और सेंटर मिलाते हुए यहाँ शोल्डर पे सेंटर मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए मिला के रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इसके स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अभी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर मार्क कर लेंगे चेस्ट का और चेस्ट से एक साइड हम 1/4 मार्क कर लेंगे, वेस्ट का भी 1/4 मार्क कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का 1/4 मार्क कर लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे और ठीक इसी लाइन पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, टॉप पार्ट हमारा रेडी है। अभी बॉटम इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ बॉटम देखिए एक साइड से ओपन है तो यहाँ पर हम निशान बना लेंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल बराबर से मिला के मार्क कर लेना है और इसकी जो एक साइड ओपन है उसे भी हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो यहाँ से हम मार्क कर लेंगे और देखिए इस तरह से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो जो नेट फैब्रिक है वहाँ से हमें उसकी सिलाई अलग लगानी है और जो लाइनिंग है उसकी सिलाई हम अलग लगाएंगे। नेट को नेट फैब्रिक से पकड़ते हुए और लाइनिंग को लाइनिंग से पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये बॉटम तैयार कर लिया है हमने। अभी हम इसमें अटैच कर लेंगे वेस्ट से इसे। तो देखिए इस तरह से रख लेना है सीधी साइड एक साथ मिलाते हुए और पूरी गोलाई में इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए मिला के रख लेना है दोनों साइड्स और इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। वो देखिए मैंने बॉटम से इसे अटैच कर लिया है और ये ड्रेस बनके हमारी तैयार है। ये आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।